अबे यार सिंचेन, भाई साहब आज तो मजा ही आ जाएगा यार। देख रहे हो कितने सारे मछली पकड़ लिया है फ्रैंकलिन ने। अरे हाँ यार चुप, आज तो भाई साहब तेरे को हड्डी खाने के लिए मिलेगा यार। अले बचाओ, अले बचाओ, अले बचाओ बचाओ। अरे यार चुप, ये किसकी आवाज है? अरे यार जरूर कोई बचाओ बचाओ की आवाज कर रहा है यार, लगता है भाई सब कोई मुसीबत में है। अरे यार सिंचेन, कहाँ किसी की आवाज आई है? अरे यार तू कौन सी चीजें सुन लिया यार? अरे नहीं यार चुप, अभी यार बचाओ बचाओ की आवाज आई थी यार। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे यार चुप, देखा तुमने फिर से आवाज आई? अरे यार जरूर कोई मुसीबत में है। अरे तेरी ऐसी की तैसी कहाँ से आवाज आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा यार। अबे यार सिंचेन पागल मत बन तू, आ मछली पकड़ते हैं। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, वो देखो यार एक हिरन जा रही है उधर, लगता है भाई साहब उसने भी ये आवाज सुनी। अरे यार जरूर कोई ना कोई जानवर बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे यार उसको बचाना पड़ेगा यार, लगता है उसके ऊपर कोई हमला कर दिया है। अबे यार सिंचेन फालतू की बातें मत कर तू, समझा ना। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, मैं तो यार बचा करके ही रहूंगा। अरे यार जानवर बहुत ही प्यारे होते हैं यार, मैं तो चला अब उसे बचाने के लिए। अरे यार गाइस, इतने खतरनाक जंगल में कहां से आवाज आ रही थी कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे बचाओ बचाओ। अरे यार फिर से आवाज आई, तेरी ऐसी की तैसी, इधर से आवाज आ रही है मेरे को, एक बार यार मैं इधर जाता हूँ। अरे भाई साहब ये क्या? अरे यार यहाँ तो एक बंदर है और उसको चारों तरफ से जंगली कुत्ते उसको घेर लिए हैं। अरे यार चुप, आ जाओ आ जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ यार। अरे यार गाइस, ये बंदर की जान बहुत ही खतरे में है, चारों तरफ से भाई सब जंगली कुत्ते इसको घेर लिए हैं। अरे यार गाइस, ये जंगली कुत्ते तो बहुत ही खतरनाक है यार, ये तो भाई सब मेरे को देख नहीं पाए हैं। मैं यार छोटी आरसी कार में घूम रहा हूँ ना, इसको लग रहा है कि भाई सब कोई कीड़ा मकोड़ा होगा ये, लेकिन यार गाइस मैं इसके अंदर में हूँ। अरे यार मेरे को यार इन लोगों को यार जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, बंदर की जान बहुत ही खतरे में है। अबे यार सिंचन कौन चिल्ला रहा था? अबे हाँ यार सिंचन बताना यार, कौन चिल्ला रहा था? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, एक जंगली मंकी को भाई सब जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, ये देखो यार बंदर को भाई सब ये जंगली कुत्ते घेर लिए हैं, इसकी ऐसी की तैसी सबकी बैंड बजा दूंगा मैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे यार बंदर तुमको कुछ नहीं होगा यार, मैंने सभी को मार दिया है। अरे थैंक यू, तुमने सभी कुत्तों को मार के मेरी जान बचा ली। अरे यार बंदर तुम यार टेंशन क्यों ले रहा था यार, मैं भाई साहब बंदर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे ऊपर एक जादू देता हूँ, तुम किसी भी जानवर को टच करोगे तो वो आरसी कार में चेंज हो जाएगी। अबे यार सिंचेन, भाई साहब ये तो बहुत ही कमाल का जादू दे दिया यार तेरे ऊपर। अरे हाँ, जाओ किसी भी जानवर को टच करो तुम, अब वो आरसी कार में चेंज हो जाएगी, तू उसे बेच करके अमीर भी बन सकता है। अरे यार बंदर तू तो यार कमाल का जादू दे दिया यार, बस तेरा जादू काम करना चाहिए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलो यार चलो, मैं तो चला अब यार कोई जानवर को ढूंढने के लिए। अबे यार सिंचेन फालतू की बातें कर रहा है ये बंदर, तू किसी भी जानवर को टच भी मत करना, वरना भाई साहब वो जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं, तेरे को खा ही जाएंगे वो लोग। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, ये बंदर यार सही बोल रहा है, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ तुम लोग, हम लोग चलते हैं अब सीधे घर, कल तक यार पूरे लॉस सैंटोस में सभी कुत्तों को मैं टच करके देखूंगा यार। अबे यार सिंचेन, मेरे को भी लगता है भाई साहब ये बंदर तेरे से झूठ बोल दिया यार, कोई भी जानवर को टच करेगा तो यार आरसी कार कैसे बन जाएगी। अरे यार कोई भी जादू उदू नहीं दिया तेरे अंदर, तेरे को बेवकूफ बना दिया इसने। अरे हाँ यार सिंचेन, तू यार किसी भी जानवर को टच भी मत करना, और तेरे को पता है ना कि जंगली जानवर कितने खतरनाक होता है, और तू यार एक बच्चा है बच्चा, भाई सब किसी भी जानवर को अगर तूने टच करने की कोशिश की वो गुस्सा हो जाएगा और तेरे को यार वो काट भी सकता है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, बहुत सारे जंगली जानवर काटते नहीं है यार, और ये क्या देख रहा हूँ मैं, हमारे घर के सामने इतने सारे पिग्गी। अरे हाँ यार सिंचेन, इतने सारे पिग्गी हम लोगों के घर के सामने कहाँ से आए? अबे यार सिंचेन, गाड़ी से मत ठोक इन लोगों को, अरे यार ये लोग गुस्सा हो गए तो काट भी लेंगे तेरे को। अरे यार चुप, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यार इसके सामने जाता हूँ तो ये लोग नहीं काटते हैं यार, देख रहे हो भाई साहब मैंने दो चारगो को ठोक के देख लिया, एक भी काटता नहीं है। अरे हाँ यार सिंचेन, तू ठीक ही बोल रहा है, अरे भाई साहब एक भी पिग्गी यार काटता नहीं है,
इसका मतलब है यार तू इन सबको टच भी कर सकता है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, मैं यार एक को टच करके देख लेता हूँ, हो सकता है यार मेरे ऊपर वो जादू काम कर जाए। वो बंदर यार सच बोल रहा था या झूठ अभी पता चल जाएगा यार, मैं इसको टच करके देखता हूँ। अरे भाई साहब ये क्या, अरे यार सच में ये आरसी कार में चेंज हो गई। अरे भाई साहब ये पिग्गी तो यार आरसी कार बन गई यार। अबे हाँ यार सुनचैन भाई साहब कमाल हो गया कमाल। अरे यार चुप इसको भी टच करके देख लेता हूँ। अरे भाई साहब ये भी आरसी कार बन गई। अबे यार सुनचैन इसका मतलब है कि सभी पिग्गी को टच करेगा तो सभी आरसी कार बन जाएंगे यार। अरे हाँ यार चुप तूने ठीक ही दिमाग लगाया यार, मैं सभी पिग्गी को बारी बारी से टच कर देता हूँ। अरे यार पिग्गी सबके सब यार आरसी कार में चेंज हो जाओ। अरे यार मैं तो अमीर बन जाऊंगा यार। अरे तेरी ऐसी की तैसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी पिग्गी को टच करूंगा मैं। अबे यार सुनचैन ये क्या, अरे भाई साहब सभी पिग्गी यार आरसी कार में चेंज हो गए। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया सभी पिग्गी आरसी कार बन गए। अरे यार गाइस ये देखो ये देखो कितने सारे आरसी कार हो गए यार मेरे पास में। अरे यार बंदर तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे भाई साहब क्या कमाल की जादू दिया यार तुमने। अबे यार सिंचन अब तो हम लोग सबके सब अमीर बन जाएंगे। अरे यार गाइस देखो भाई साहब कितने सारे आरसी कार हो गए हैं हम लोगों के पास में। एक एक आरसी कार भाई साहब लाखों में बेचेंगे हम लोग लाखों में। अरे यार सिंचन तूने यार कमाल ही कर दिया, अब यार हम लोग गरीब कभी भी नहीं रहेंगे, अब यार हम लोग सबको अमीर हो गए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया सबको अमीर कैसे हो गए यार, ये सभी आरसी कार तो भाई साहब मेरे हैं मेरे। अबे यार सुनचैन ये सभी आरसी कार में अपन लोग का भी हक है समझा ना। तेरी ऐसी की तैसी मेरे आरसी कार को बोलता है कि मेरा भी है। अरे यार चुप कान खोल के सुन ले तू, ये सभी आरसी कार भाई साहब मेरे हैं मेरे और मैं इसे लाखों में बेच करके मैं अमीर बनूंगा। तुम लोग यार सपने में भी मत सोचना कि सिंचन अपनी आरसी कार तुम लोगों को देगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैं तो भाई साहब अब अमीर बनने ही वाला हूँ, बस यार इसको बेचना है और भाई साहब एक न्यू बंगलो खरीदूंगा और मैं तो यार रहूंगा अलग तुम लोगों से। तुम लोग भीख मांगना यार, मैं तो चला अब इसे बेचने के लिए। अरे यार चुप, ये सिंचन भाई साहब धोखा दे दिया, सभी आरसी कार को लेकर के चला गया वो बेचने के लिए। अरे यार गाइस देखा आपने, मेरे साथ ही रहा सिंचन और अपन लोग को ही धोखा दे दिया। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन अब क्या करेंगे यार, हम लोगों के पास तो भाई सब पैसे भी नहीं है। अरे यार गाइस आप ही लोग अपन लोग को सपोर्ट करो। अरे यार जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे हाँ यार गाइस हम लोगों के लिए बस आप ही लोग हो यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट करो। अपन लोग के पास में अब कुछ भी नहीं बचा है, बस यार एक छोटी सी आरसी कार ही बची है यार हम लोगों के पास। अबे यार फ्रैंकलिन अब ये कौन आ रहा है यार। अरे भाई साहब रुको रुको ठोक डालोगे क्या। अरे नहीं फ्रैंकलिन ऐसा क्यों सोचता है तू, तू यार बहुत ही ज्यादा बहादुर है, तुझे कौन मारना चाहेगा यार। अबे यार फ्रैंकलिन ये तो लेस्टर है और भाई साहब लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट है ये। अरे हाँ तुमने सही पहचाना, मैं लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट हूँ। कुछ गुंडे मेरी वाइफ को उठा के ले गए हैं और साथ में मेरी गोल्ड की कार भी ले गई है, प्लीज तुम उसे किसी भी तरह से बचा लो, उसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मेरी गोल्ड की गाड़ी रख लेना और साथ में मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बंगलो दूंगा जिसमें सभी सुख सुविधाएं, हेलीकॉप्टर, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी होंगी। अरे यार फ्रैंकलिन इससे अच्छी डील और कुछ नहीं हो सकते यार तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम गरीब हो चुके हो। अरे यार लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ की जान बचा लो तू, तू यार अमीर बन जाएगा अमीर। देख रहे हो इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी वो भी फ्री में, तू यार ये काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है यार। अबे यार फ्रैंकलिन लेस्टर ठीक ही बोल रहा है यार, चलो अपन लोग यार लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ की जान बचा लेते हैं। ठीक है यार लेस्टर मेरा चोप बोल दिया तो समझ जाओ कि भाई साहब प्रेसिडेंट की वाइफ की जान मैंने बचा ली। चल बे चोप आजा आजा हम लोग जाएंगे भाई साहब अपनी आरसी कार में, क्योंकि यार ये बहुत ही खुफिया मिशन है, अपन लोग यार किसी भी तरह से पकड़े नहीं जाना चाहिए। चल बैठ जा जल्दी से गाड़ी में। अरे हाँ यार चलो भाई साहब आरसी गाड़ी में जाने का मजा ही कुछ अलग है। अरे यार गाइस प्लीज यार आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करो ताकि यार हम लोग भी अमीर बन सके यार, सिंचन तो भाई साहब अपन लोग को धोखा दे ही दिया,
आप लोग यार हम लोगों को सपोर्ट करो ना, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अबे यार चुप आगे दिखा गए भाई, सब बिल्ली दौड़ रही है। अरे यार गाइस हम लोग आरसी कार से इसको दौड़ा रहे हैं यार पीछे पीछे। अरे भाई सब देख रहे हो आरसी कार जितनी बड़ी थी वो बिल्ली, लेकिन यार गाइस हम लोग यार उसको ठोक दिए, अब यार वो अपनी घर चले जाएगी। अरे यार गाइस चोप ठीक ही बोल रहा था आप लोगों को, आप लोग यार हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हो यार, प्लीज आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग जा रहे हैं भाई साहब एक बहुत ही बड़े मिशन में, लेकिन यार गाइस एक छोटे से आरसी कार से जा रहे हैं। अबे यार फ्रैंकलिन ये पहाड़ियों में क्यों लेकर के आ गया है तू? अबे यार चोप वो गुंडे लोग भाई साहब इसी पहाड़ियों में छुपाते हैं, किसी को किडनैप करते हैं तो। अरे भाई साहब ठीक है लेकिन गाड़ी तो कम से कम तू अच्छी से चलाना यार, ये आरसी कार है। अरे यार ये बड़ी वाली कार नहीं है कि तू जहाँ मन करे वहाँ कुदा दे। अरे यार गाइस ये भाई साहब बहुत ही खराब गाड़ी चलाता है। अबे यार चोप तू इस गाड़ी के बारे में जानता नहीं है कितनी खतरनाक गाड़ी है। अबे यार चोप नीचे देख नीचे। अरे यार गाइस वो देखो भाई साहब बहुत सारे आदमी दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर मेरे को, और यार वहाँ पर एक गोल्ड की भी गाड़ी है। मुझे यार थोड़ी सामने से जा कर के देखना पड़ेगा, हो सकता है यार ये लोग किडनैपर ही हो। अबे यार फ्रैंकलिन अगर वो लोग किडनैपर ही निकले और अगर हम लोग सामने गए तो सोचो वो लोग अपन लोग की जान भी ले सकता है, सामने मत जाओ यार। अबे यार चोप तू इस गाड़ी के बारे में जानता ही नहीं है। अरे यार गाइस मैं इतने छोटे से गाड़ी में बैठा हूँ ना, ये लोग मेरे को देख ही नहीं सकते। देखो यार गाइस ये सच में यार किडनैपर ही हैं, और भाई साहब लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ भी है वहाँ पर। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन। अरे यार गाइस मुझे थोड़ी और सामने जाना पड़ेगा, देख लिया ना आपने भाई साहब इस वाले आरसी कार में आने का क्या ही मजा है। अरे यार हम लोग बहुत ही सामने आ गए हैं, लेकिन ये लोग तो अपन लोग को देख भी नहीं सके यार। अरे हाँ यार चोप मुझे यार इन लोगों को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, तभी यार हम लोग यार लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ को बचा सकते हैं। मैं यार इन लोगों के सामने स्मोक बम फेंक देता हूँ, ये देखो भाई सब चारों तरफ धुआं ही धुआं। अरे ये क्या है ये क्या है? तेरी ऐसी की तैसी अभी बताता हूँ कि ये क्या है, ये ले गोली खा। भाई साहब तूने लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ को किडनैप कर लिया है, ये ले गोली का तू भी का एक बच गया है, इसको भी मैंने टपका दिया। अबे यार चोप मैंने सबको मार दिया। अरे यार फ्रैंकलिन तूने तो यार कमाल ही कर दिया यार, छोटे से आरसी कार में आकर के यार इन लोगों की बैंड बजा दी तूने। अरे हाँ यार चोप। अरे मैडम आप एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो, आप चलो अब मेरे साथ। अबे यार फ्रैंकलिन मेरे को भी ले लेना यार, छोड़ना मत मेरे को। अरे थैंक यू तुमने मेरी जान बचा ली, मेरे हस्बैंड तुमको बहुत सारे पैसे देंगे। अरे ठीक है मैडम अब आप मेरे साथ जल्दी से बैठ जाइए इस गाड़ी में, हम लोग चलेंगे सीधे आपके घर। अरे हाँ हाँ बैठ रही हूँ बैठ रही हूँ। तो यार गाइस हम लोगों ने लॉस सेंटोस की प्रेसिडेंट की वाइफ की जान बचा ली है, अब यार हम लोग जा रहे हैं सीधे लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन भाई साहब ये क्या पुलिस पड़ गई अपन लोग के पीछे? अरे हाँ यार ये तो पुलिस पड़ गई अपन लोग के पीछे। अरे भाई साहब ये क्या हुआ? अरे यार चोप इन लोगों की भी बैंड बजानी पड़ेगी, मैं यार स्टिकी बम लगा देता हूँ इसके गाड़ी में। आजा बेटे अब मजा आएगा तुम लोगों को, आजा मेरे पीछे पीछे। ये देखो यार गाइस स्टिकी बम ने क्या ही कमाल कर दिया, भाई साहब एक साथ सभी पुलिस वाली की बैंड बजा दी। अबे यार फ्रैंकलिन लेकिन भाई साहब पुलिस अपन लोग के पीछे पड़ा क्यों यार? अबे यार चोप लगता है भाई साहब पुलिस को ये लग रहा है कि हम लोग भाई साहब लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट की वाइफ को यार किडनैप करके भगा रहे हैं। लेकिन यार गाइस हम लोग तो भाई साहब किडनैपर से छुड़ा के आ रहे हैं इन लोगों को। ये देखो यार गाइस मैंने भाई साहब इसके ऊपर भी स्टिकी बम लगा दी थी, ये देखो इसकी भी क्या ही हालत हो गई। अरे यार गाइस ये लोग भाई साहब अपन लोगों को गलत समझ रहे हैं, लेकिन यार हम लोगों को जल्दी से भागना पड़ेगा। अबे यार फ्रैंकलिन भाई साहब ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अरे यार पूरा बम फेंकते इन लोगों के सामने। अरे वाह यार तूने तो कमाल ही कर दिया, एक साथ सभी पुलिस वाली की वाट लगा दी तुमने। अरे यार अब जल्दी से गाड़ी भगा, अरे यार ये लोग तो बहुत सारे हैं यार। अरे हाँ यार गाइस इन लोगों से पंगा लेना अपन लोग को भी भारी पड़ सकता है। एक काम करता हूँ यार चोप मैं यार पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता हूँ ताकि यार ये लोग अपन लोग का पीछा छोड़ दे और हम लोग यार जल्दी से जल्दी भाई साहब लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट के पास पहुँच सके। अरे हाँ यार जोर से भगा गाड़ी को। अरे यार लगता है पुलिस वाले पीछे रह गए। अरे यार आगे भी पुलिस है। अरे यार गाड़ी भगा। अरे हाँ यार चोप सभी पुलिस वाले भाई साहब पीछे रह गए,
और ये देखो यार गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यार लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट के घर में। और भाई साहब यहाँ पे सिंचन क्या कर रहा है? अरे हाँ यार, यहाँ पे सिंचन क्या कर रहा है? अरे सर, मैंने आपकी वाइफ की जान बचा ली। आपकी वाइफ एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। ये देखो, आपकी वाइफ मेरे पीछे खड़ी है। अरे थैंक यू, तुमने कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा भरोसा था तुम्हारे ऊपर, तू ही बचा सकता है मेरी वाइफ को। आज से ये घर तुम्हारा और ये गोल्ड की गाड़ी भी तुम्हारी। अब से तुम इस घर में रह सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे थैंक यू सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। हम लोग वैसे भी भिखारी बन चुके थे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, भिखारी तो मैं बन गया हूँ यार, प्लीज यार तुम भी मेरे को अपने साथ रख लो ना। अबे यार फ्रैंकलिन, सुना तुमने? सिंचन बोल रहा है कि मैं भी भिखारी बन चुका हूँ। लेकिन यार चुप, अपन लोग के पास में तो भाई सब एक से एक गाड़ियाँ हैं, और अब तो यार अपन लोग के पास में बहुत ही महंगी वाली बंगलो भी है। अब मैं क्या करूं? अबे यार सिंचन, चल निकल मेरे घर से। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, प्लीज यार मुझे भी तुम अपने साथ रख लो यार। मैं अपने सभी आरसी कार को बेचने के लिए जा ही रहा था यार, तभी मेरे गाड़ी में ब्लास्ट हुई और मेरे सभी आरसी कार जल करके राख हो गई यार। मैं पूरा भिखारी बन चुका हूँ। लेकिन यार सिंचन, मैं भिखारी नहीं बना हूँ, मेरे पास तो यार बहुत ही महंगी वाली चोपर है, और भाई साहब मैं लॉस सेंटोस का सबसे महंगे वाला घर में भी रहता हूँ। चल अब तू निकल जा यहाँ से। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, प्लीज यार मेरे को मत निकालो, मुझे भी अपने साथ ही रख लो यार। अबे यार फ्रैंकलिन, अपने व्यूअर से ही पूछ ले यार, सिंचन को अपने साथ रखना है या फिर नहीं। अरे हाँ यार गाइस, आप ही लोग नीचे कमेंट करके बता दो कि सिंचन को यार अपने साथ रखें या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके बताना यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।